हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं समर स्पेशल ड्रिंक अम्बली, जिसको पीने से गर्मी से राहत तो मिलती है, साथ ही इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन्स है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ऐसे टेस्टी हेल्दी ड्रिंक के लिए मैंने लिया है जवार। जवार इजीली किसी भी मार्केट में अवेलेबल होता है, तो आप जवार का आटा बाहर से भी पिसवा सकते हैं या घर में भी मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कप जवारी का आटा। जवारी का आटा लेकर इसको मैंने डाला है एक टिफ़िन में डालकर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। जिस कप से मैंने आटा लिया मैं पानी भी उसी कप से ले रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो। मिक्स करने के बाद इसमें मैं और 2 कप पानी डालूँगी। 2 कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे मैं ढक के रात भर के लिए रख दूँगी ताकि इसमें अच्छे से खमीर आ जाए। अगर इसमें खमीर आएगा तो वो टेस्ट तो अच्छा रहेगा ही, साथ ही हमारे हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसे ढक के मैं रात भर के लिए रख दे रही हूँ। अगर आप रात भर के लिए नहीं रख पा रहे हो तो आप 6 घंटे के लिए भी इसे रख सकते हैं, बट आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग बनाना है तो इसे एक दिन पहले नाइट में भिगो के रख लेना। अब नेक्स्ट डे मैं आपको ढक्कन निकाल के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से खमीर आ गया है और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसे आप स्पून से हटा लेना। हटाने से अम्बली का जो टेस्ट तो अच्छा रहेगा ही, लुक वाइज भी बहुत अच्छा रहेगा। अब इसको मैंने हटा लिया है। हटाने के बाद अब हम करते हैं आगे का प्रोसीजर। मैंने लिया एक बर्तन, इसमें मैं डाल रही हूँ जवारी के आटे का बैटर। डालकर अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालते हैं पानी। पहले मैंने रात को भिगाते समय 3 कप पानी डाला था, अभी मैं 4 कप पानी डाल रही हूँ, मतलब टोटल 7 कप पानी लगेगा। आप कप की जगह कटोरी भी ले सकते हो, ग्लास भी ले सकते हो, जो भी लो, 7 गुना पानी लगेगा। अब ये पानी डाल के मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे गैस के ऊपर रख कर अच्छे से पकाना है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून नमक। मैंने गैस का फ्लेम अभी हाई रखा है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, आप चाहो तो नमक बाद में भी डाल सकते हो। ये एक साउथ इंडियन डिश है, स्पेशली तेलंगाना में। गर्मी में हर घर में इसे ज़रूर बनाया जाता है। ये गर्मी से ठंडक तो पहुँचाता ही है, साथ ही इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे आप चेक कर लेना, अगर नमक कम है तो आप थोड़ा सा और नमक डाल देना या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना। इसमें एक बार बॉईल आने के बाद मीडियम हाई फ्लेम पे अराउंड 10 मिनट तक या तब तक जब तक कि ये अच्छे से पक नहीं जाता है तब तक पकाना है। ये रेसिपी मे बी आपके लिए नया होगा, बट इस गर्मी में आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर पता चलेगा। अब ये काफ़ी अच्छे से पक गया है, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद थोड़ा सा कुनकुना हो गया है। कुनकुना होने के बाद आप देख सकते हैं ये हल्का सा गाढ़ा हो गया। इसे आप ठंडा भी पी सकते, गर्म भी पी सकते, दोनों तरीके से ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे सिंपल ऐसे भी पी सकते हो या ऊपर बारीक कटा प्याज और हरा धनिया डालकर भी पी सकते हो। दोनों तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब इस गर्मी में आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।